नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बर इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कानपुर से खबर है जहां कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की बड़ी साजिश थी और पुलिस की 6 टीमें अब संदिग्धों की तलाश कर रही हैं। तो सर्विलांस टीम के साथ स्क्वाड टीम भी मौजूद है और इसमें लगी हुई है जमात या बाहर से आए लोगों की जाँच हो रही है। मिठाई के डिब्बे में पेट्रोल और बारूद मिला था। छिबरामऊ के एक मिठाई की दुकान का डिब्बा था। पुलिस ने मिठाई की दुकान का सीडीआर जब्त किया है। मौके से कुछ और भी दस्तावेजों को यहां से, कुछ और चीजों को भी यहां से पकड़ा है, चूंकि जब्त किया है, जो एक इशारा बड़ी साजिश की ओर कर रहा है। तो पिछले कई दिनों में कई ऐसे मामले हुए जहां रेलवे को निशाना बनाने की साजिश हो रही है और आज इस बात पे उस वक्त मोहर लग गई जब कुछ चीजें ऐसी मिली यहां पे जो ये बता रही थी कि यहां बड़ी साजिश को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की गई थी। तो पुलिस ने मिठाई की दुकान का सीडीआर जब्त किया है। मौके से बरामद हुई माचिस की भी जांच की जा रही है। 2 हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने उठाया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। एडीसीपी एलआईयू ने भी जांच के लिए एक टीम लगाई है, क्योंकि रेलवे को टारगेट करने की बार बार कोशिश की जा रही है। छिबरामऊ के एक मिठाई की दुकान का वो डिब्बा था भैया, हमको जानकारी नहीं है। सवेरे जब पुलिस आई तो डीवीआर ले गई। अभी आपने बताया तब मुझे जानकारी हुई। पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस ने कुछ कहा ही नहीं। पुलिस ने कहा ये डीवीआर ले जाना चाहते हैं ले जाओ भैया। तो यहाँ डीवीआर लगे थे, वो निकाल ले? हाँ, लेकर ले गई। जानकारी तक नहीं। अच्छा, हाँ। अभी पुलिस वाले आए थे? 2-3 लोग आए थे, इंस्पेक्टर साहब वगैरह सब लोग। कितने बजे आए? कितने बजे आए वो? आए करीब 8-8:30। और विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में है। कई हजार किलोमीटर तक फैला है रेलवे का विशाल नेटवर्क और विभिन्न राज्यों को रेल जोड़ती है। तो 2.5 करोड़ लोग रोजाना रेल में सफर करते हैं। एक ट्रेन में औसतन 2500 से 3000 यात्री सफर करते हैं। भारत की ये लाइफलाइन है और भारत की इस लाइफलाइन को टारगेट करने की कोशिश बार बार की जा रही है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीजों को गंभीरता से देख रहे हैं और जिस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे हम मीडिया को अवगत कराएंगे। एटीएस भी मौके पे गई है, उसने मौका मुआयना को सभी, हम सभी पहलुओं को देखेंगे और बिना पूरी जांच पड़ताल किए इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। तो क्या आतंकियों के निशाने पर है रेलवे? क्योंकि झांसी और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके जहां ट्रेन डिरेल हुई वहां भी मामला संदिग्ध नजर आया, लेकिन अब यहां तो सीधा सीधा जो ये चीजें मिली हैं उससे सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है, ये सीधा समझा जा सकता है कि ये कोई हादसा नहीं है, सीधे तौर पे प्लानिंग की गई है। कोई बड़ी साजिश ये हो सकती है रेलवे को टारगेट करने की और भारत की लाइफलाइन को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में है। तो ट्रेन साजिश पर डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा रेलवे रूट पर सिलेंडर रखा मिला, तो ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई थी। ये अब अधिकारी भी मान रहे हैं कि यह साजिश थी। सिलेंडर फटने से बच गया और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। तो आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कालिंदी ट्रेन को पलटने की साजिश, जिसमें कालिंदी ट्रेन को पलटाने की साजिश का यह मामला है, उसको निशाना बनाने का यह मामला है, उसे टारगेट करने का यह मामला, जिसमें पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच में इलाके के जमातियों को भी लिया गया है।
जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया गया। पूरी तत्परता और एक्टिव की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। तो क्या ये भारतीय रेल को निशाना बनाने की बड़ी साजिश रची जा रही है? बार बार जिस तरह के मामले आ रहे हैं, और ये कानपुर का ये मामला, इससे नकार नहीं सकते कि ये कोई बड़ी साजिश है। कानपुर के अनवरगंज से होते हुए कासगंज रेलवे ट्रैक पर कल देर रात कालिंद्री एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई, मगर गलीमत ये रही कि ट्रेन में बैठे यात्रियों को किसी प्रकार से कोई हताहत नहीं हो सका। देखिए, इस समय हम उसी ट्रेन की पटरी पर मौजूद हैं, जहां पर देखिए यही और रेलवे ट्रैक है, जहां पर आपको बता दें कि कालिंद्री एक्सप्रेस इधर से देखिए आई और इधर से होते हुए ये ट्रेन जो है वो कासगंज रेलवे ट्रैक की तरफ जा रही थी। तभी अचानक रेलवे के लोको पायलट को ये साफ तौर पर नजर आया कि एक भारी सामान रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ है, जिसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद जब लोको पायलट जब तक ब्रेक लगाता तब तक रेलवे का जो इंजन है वो जाकर उस सिलेंडर से जाकर टकरा गया। गलीमत ये रही कि एलपीजी गैस सिलेंडर पूरी तरीके से भरा हुआ था, मगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। घटना की जानकारी जब रेलवे प्रबंधन को हुई और पुलिस प्रशासन को हुई तो मौके पर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस और रेलवे के आला अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई, और जांच में ये पाया गया कि रेलवे ट्रैक पर एक एलपीजी भरा हुआ सिलेंडर, एक पेट्रोल बम और सफेद पाउडर के साथ साथ एक मिठाई का डिब्बा भी वहां पर मिला, जिसके बाद आप टीमों ने इस मिठाई के डिब्बे को कब्जे में लेते हुए और सिलेंडर को कब्जे में लेते हुए जाँच शुरू कर दी है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी घटना की जांच शुरू हो चुकी है। वर्तमान समय की बात करें तो इस पूरे मामले में अभी तक 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, तो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों की भी संदिग्ध रूप से पहचान करते हुए उनकी भी तलाश की जा रही है। साथ ही साथ जमात से आने वाले जुड़े हुए लोगों को अब चिन्हित करके उनसे भी पूछताछ की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जो रेलवे ट्रैक के पास एक मिठाई का डिब्बा जिसमें कि पेट्रोल बम रखा हुआ था, उस मिठाई की दुकान पर भी टीमें पहुंची हैं और वहां के डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कानपुर में एक ही महीने के भीतर 2 रेलवे की घटनाओं को आखिर कौन अंजाम दे रहा है, और देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे को आखिर कौन बाधित करना चाहता है। ऐसे में इस तरीके की घटनाओं के पीछे आखिर क्या आतंकी साजिश है या किसी सिरफिरे के किए गए कृत्य? अब इस पूरी घटना की जाँच NIA, IB और ATS करने में जुट गई है। कैमरा पर्सन विनय के साथ सूरज पांडे, न्यूज इंडिया, कानपुर। और कानपुर से सूरज हमारे संवाददाता और दिल्ली से पीयूष तिवारी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, चूंकि एक महीने में दूसरा ये मामला, और ये वाला मामला तो कहीं से हादसा नजर नहीं आता, ये तो सीधा ये इशारा कर रहा है कि बड़े तौर पर एक बड़ी प्लानिंग की गई थी, साजिश रची गई थी भारतीय रेल को निशाना बनाने की। बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि भारतीय रेल को निशाना बनाने के लिए आखिर कौन सा गिरोह काम कर रहा है, ये अब साफ हो गया है कि ये कोई दुर्घटनाएं नहीं बल्कि साजिश है। ऐसे में आपको बता दें कि कल कानपुर के अनवरगंज से कासगंज रेलवे ट्रैक पर जब ये कालिंद्री एक्सप्रेस जब आगे बढ़ रही थी, तभी बलराजपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद जैसे ही ट्रेन 2.5 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी, तभी अचानक रेलवे के जो लोको पायलट है उनको ये साफ तौर पर रेलवे ट्रैक पर एक भारी चीज नजर आई, जिसके बाद उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, मगर ट्रेन की रफ्तार जो है वो 60 से 70 होने की वजह से ट्रेन का जो इंजन का आगे का हिस्सा होता है उससे जाकर सिलेंडर टकराया और सिलेंडर दूर जा गिरा, जिसके बाद लोको पायलट ने समझदारी दिखाते हुए ट्रेन को वहीं पर रोक दिया और मामले की जानकारी रेलवे प्रबंधन और प्रशासन को दी, जिसके बाद रेलवे के अधिकारी के साथ साथ RPF, GRP और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस भी मौके पर पहुंची, और इस पूरी सिलसिलेवार तरीके से इस घटना की जब जांच की गई तो वहां पर मौके से एक LPG भरा हुआ गैस सिलेंडर, तो साथ ही साथ एक कांच की बोतल में पेट्रोल बम और क्या नाम है, एक मिठाई के डिब्बा भी बरामद हुआ जिसमें माचिस रखी हुई थी, जिसके बाद अब जो टीमें हैं वो इस पूरी घटना की जांच में जुट गई हैं। वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। तस्वीरें दिखाएं यहां की, क्योंकि आप उसी घटना स्थल पे हैं जहां पे प्लानिंग की गई थी, यहां की थोड़ी आसपास की संभव हो तो तस्वीरें। हमारे ठीक पीछे देखिए ट्रैक है, और इस ट्रैक पर ही जो है ये यहां पर ट्रेन जो है जो गुजर रही थी और ये हादसे का शिकार होते होते बच गई। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ये जो भारत की लाइफलाइन रेल कही जाती है, क्योंकि रेल पर आम जनमानस जो है वो सफर करता है और बड़ी बड़ी लंबी लंबी लोग यात्राएं करते हैं, मगर ऐसे में
भारतीय रेल की कड़ी को तोड़ने के लिए जो ये साजिश रची जा रही है, ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले में रेलवे प्रबंधन के तरफ से कानपुर के शिवराजपुर थाने में एक FIR दर्ज कराई गई है, जिनमें अज्ञात लोगों के खिलाफ इस पूरे मुकदमे को दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे इस जुड़े मामले से पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जमात से जुड़े हुए लोग भी यहां पर आया जाया करते थे, इसको देखते हुए भी अब जो पुलिस है वो इस पूरे मामले में भी आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस पूरे जो साजिश को अंजाम देने का प्रयास किया गया था, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कालिंद्री एक्सप्रेस जो है वो तेज रफ्तार जाकर LPG गैस सिलेंडर से टकराती तो बड़ा विस्फोट हो सकता था और बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। ऐसे में इस पूरी घटना की अब IB और ATS जो है वो जांच करने के लिए मौके पर पहुंच चुकी है और जांच प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि ये जो जिस जगह पर ये घटना हुई है वहीं पर बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात के भी लोग जो है वो यहाँ पर आया करते थे और उनसे भी अब पूछताछ जो है वो उनको पहचान कराकर उनकी पूछताछ और उनसे भी इस पूरी घटना को जोड़ते हुए जो जांच एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है। पीयूष, जिस तरीके के मामले बार बार सामने आ रहे हैं, चूंकि पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग बल्कि देश के कुछ हिस्सों में इस तरह के मामले आए, क्या ये माना जाए कानपुर की इस घटना को लेकर कि आतंकी साजिश हो सकती है और भारतीय रेलवे इनके निशाने पे है? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो हादसा है वो आतंकी साजिश भी हो सकती है। हालांकि केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले में संभवतः जांच करेगी और इस मामले में पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वाकई में ये आतंकी साजिश है या कुछ अन्य इसके पीछे अन्य कोई कारण है या फिर किसी ने शरारत की है। सबसे बड़ी बात है कि आतंकी साजिश की बू इसलिए आ रही है कि आप देखिए कि हाल ही में जो भारत का मोस्ट वांटेड जो आतंकी है फतुल्लाह गौरी, उसने सीधे तौर पर टेलीग्राम के जरिए एक संदेश दिया था और उस संदेश को पाकिस्तान में वायरल किया गया, यहां तक कि भारत में भी वो वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं वायरल की गई। उस वीडियो में फतुल्लाह गौरी ये कहते हुए नजर आ रहा है कि भारत के जो रेलवे ट्रैक्स है उसको निशाना बनाना है, किसी भी तरीके से उनको तोड़ना है और किसी भी तरीके से भारतीय रेलवे को नुकसान पहुंचाना है। फतुल्लाह गौरी ये कहते हुए नजर आ रहा है कि जो स्लीपर सेल है वो हमारे कमजोर हो रहे हैं। फतुल्लाह गौरी का सीधे तौर पर यह कहना था कि भारतीय रेलवे को किसी भी तरीके से निशाना बनाना है और भारत को नुकसान पहुंचाना है, इसके अलावा हिंदूवादी नेताओं को नुकसान पहुंचाना है, उनको निशाना बनाना है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि ना सिर्फ भारत की बात करें बल्कि किस तरीके से जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैं वो साजिश रच रहे हैं। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो इसके पीछे आतंकी साजिश भी हो सकती है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया था और ये व्यक्ति जो है एक यूट्यूबर था और बकायदा ये सोशल मीडिया पर रील्स बनाता था, वीडियोस बनाता था और इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल करता था और कहीं ना कहीं व्यूज के चक्कर में ये चीजें करता था, जिसमें आपने देखा कि सिलेंडर भी जो पटरियों पर रखने की कोशिश करता था रखता था, इसके अलावा साइकिल रखता था, कुकर रखता था, पत्थर रखता था और बकायदा इसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर डालता था। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई और कहीं ना कहीं RPF ने जो है वो एक बड़ी कार्रवाई RPF की ओर से की गई थी। हालिया बयान जब आपने देखा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जब ये पूछा गया कि इस तरीके की घटनाएं हो रही है, ऐसे में भारतीय रेलवे की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है, तो रेल मंत्री ने कहा कि हम किसी भी तरीके से राजनीतिक बयान नहीं देना चाहते लेकिन हम इस मामले में नजर बनाए हुए हैं कि आखिर इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो भारतीय रेलवे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इस मामले में अगर हम बात करें कानपुर मामले में तो लगातार भारतीय रेलवे जो है वो कानपुर के जो रेलवे से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं और पल-पल की जो जानकारी है वो वहां से ब्रीफ की जा रही है और भारतीय रेलवे के उच्च अधिकारियों को यहां पर बताया जा रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी इस पूरी घटना से अवगत कराया गया है और रेल मंत्री ने ये निर्देश दिया है कि इस घटना की पूरी तरीके से जांच कराई जाए। हालांकि सोर्सेज के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही जो NIA के अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले में बैठक कर सकते हैं और एक रणनीति बना सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले का जो पर्दाफाश है वो किया जा सके और संभवतः अगर जरूरत पड़ी तो गृह मंत्रालय की ओर से
में या जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इन घटनाओं की जो जांच पड़ताल है वो कर सकती है, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सतर्क रहती है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही है और आपने देखा कि एक के बाद एक पिछले कुछ महीनों में कई जो ट्रेन से वो डिरेल हुई है। हालांकि इस घटना की अगर हम बात करें तो जैसा कि FIR किया गया है, जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें सीधे तौर पर यह जिक्र किया गया है कि जो ट्रेन है वो कहीं ना कहीं सिलेंडर से टकराई है, और ये भी जिक्र किया गया है कि इस जहां पर जब अधिकारी गए तो उनको किस तरीके से यहां पर चीजें मिली। खासतौर पे उसमें जिक्र किया गया है कि एक बोतल में पेट्रोल मिला और उस पेट्रोल में बत्ती लगी हुई थी। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये इंगित कर रहा है, ये चीजें इंगित कर रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बोतल और पेट्रोल और बत्ती का जिक्र किया जा रहा है, माचिस का जिक्र किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से पेट्रोल बम बनाने की भी कोशिश के जरिए की गई होगी। हालांकि ये जांच का बिल्कुल पीयूष ये जांच का विषय है, लेकिन ये इशारे जरूर ये चीजें कर रही है कि कोई बड़ी साजिश यहाँ पे रची गई थी। सूरज, चूंकि इस तरह की वारदात को अंजाम देने की जो प्लानिंग है, सिलेंडर यहाँ पे होना, पेट्रोल बम्ब होना, मिठाई का डिब्बा और फिर मिठाई आसपास की दुकान पे होना, ये भी समझा जा सकता है कि ये कोई आसपास के ही लोग हो सकते हैं, वो लोग जिन्होंने ये प्लानिंग की है, क्योंकि बहुत दूर से कोई आए इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए कानपुर में इसकी संभावनाएं कम है। क्या जो DVR मिठाई की दुकान से मिला उसमें कोई संदिग्ध की पहचान हो पाई, कोई सुराग हाथ लगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो DVR है वो छिबरा में सियाराम स्वीट्स की दुकान है, वहां का ही ये डिब्बा था मिठाई का जिसमें ये पेट्रोल बम मिला था, जिसके बाद जो टीमें हैं वो उस स्वीट हाउस पर भी पहुंची और वहां के DVR को अपने कब्जे में ले लिया गया। इसके पीछे का बताया जा रहा कारण ये कि हो सकता है कि जो जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया हो वो पहले मिठाई का डिब्बा यहां से उन्होंने खरीदा हो और उसके बाद उस डिब्बे में इस सारे सामानों को ले जाकर वहां पर पहुंचाया हो। इस बात को भी बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता है कि वहीं आसपास के लोग इस घटना में शामिल होंगे। ऐसे में क्योंकि जिस जगह पर यह घटना हुई है, देखिए हमारे पीछे किसी तरीके से सुनसान इलाका है, रेलवे ट्रैक है, क्योंकि पूरी तरीके से ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो आबादी है वो काफी कम है, क्योंकि रेलवे ट्रैक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरता है और ऐसे में जिस जगह पर यह घटना हुई है वो भी पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है और यहां से जो ट्रेन जो है वो तकरीबन 5 किलोमीटर आगे पहुंचती तो बिल्लौर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी। ऐसे में इसके बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसको बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता है कि ये घटना नहीं बल्कि एक साजिश है पूरी तरीके से, क्योंकि अपने आप में देखिए पेट्रोल बम जो है वो आम नागरिक के तौर पर कोई भी पेट्रोल बम नहीं बना सकता है, तो साथ ही साथ वहां पर जिस तरीके की सामग्री पाई गई है और किसी एक व्यक्ति का काम बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि एक LPG सिलेंडर वो भी भरा हुआ तकरीबन 14 किलो का भी अगर उसका वजन है तो अपने आप में कोई एक व्यक्ति उसको उठाकर इतनी दूरी से लेकर नहीं आ सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से रेल, क्योंकि कहा जाता है कि रोजमर्रा का सफर लोग करते हैं, अपने एक शहर से दूसरे शहर जाने में रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से रेल दुर्घटनाओं को अंजाम देने के लिए, आपको बता दें कि कालिंद्री एक्सप्रेस जिस तरीके से आज कल देर रात हादसे का शिकार होते होते बची है, इसी तरीके से आपको बता दें कि 17 अप्रैल की बात करें, जो पिछले क्षमा चाहेंगे 17 अगस्त की बात करें, तो 17 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से झांसी रेलवे ट्रैक की तरफ जब पड़ी थी तभी अचानक रेल ट्रैक पर एक बड़ा सा लोहे का गाटर रखा गया और ट्रेन को पूरी तरीके से डिरेल किया गया है। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हुए थे, मगर उस घटना में भी रेल वो देखने को मिली थी। और ठीक है, हमारे साथ शिव गोपाल जी हैं जो कि रेलवे के महासचिव हैं वो, और रेलवे यूनियन के, उनसे बात करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि ये जो मामला अभी सामने आ रहा है, चूंकि बार बार जिस तरीके से रेलवे को टारगेट किया जा रहा है, रेल को, अभी ये प्रकरण ये सीधा बताता है कि बहुत बड़ी साजिश कोई रची गई है और भारतीय रेल को निशाना बनाने की तैयारी प्लानिंग है? नहीं, ये सही लगता है कि चूंकि ये जो घटना है वो सीधे तौर पर एक साजिश लगती है, हालांकि फोरेंसिक टीम गई है और वो उसकी जांच वांच करेगी, उसके बाद ही चीजें साफ होंगी, लेकिन ये जिस तरीके से दुर्घटनाएं जन्म ले रही हैं, उससे ये बहुत कुछ संभावना मुझे तो लगती है कि इसमें कुछ साजिश जरूर हो सकती है। तो इसको चूंकि बहुत गंभीरता से, शिव गोपाल जी, इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि एक महीना पहले भी कानपुर में ऐसा हुआ और देश के कई हिस्सों में इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं जहां पे रेल डिरेल हुई, वो संदिग्ध मामले थे, यहां तो सीधा ये इशारा मिल रहा है कि साजिश है। इससे पहले भी एक वो आपको मालूम है कि प्रेशर कुकर और वो सारी चीजें जो है वो पकड़ी गई, तो ये जो
रील बनाने वाला किस्सा, ये सारी चीजें कुछ मिला करके इनके तार जब जुड़ रहे हैं तो इन सारी चीजों से साजिश की जो संभावना है वो काफी प्रबल नजर आ रही है। तो अभी तक जो हम लोगों के पास में सूचना है उस हिसाब से जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो तो यही बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इसमें निश्चित तौर पर एक साजिश नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये साजिश कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखाई भी दे रही है। और पीयूष, जिस तरीके का ये प्रकरण सामने आया, क्या चूंकि भारत की लाइफ लाइन है रेलवे, उसको टारगेट करके पब्लिक सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय रेलवे को निशाना बनाना काफ़ी कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए आसान इसलिए लगता है क्योंकि अगर भारतीय रेलवे को निशाना वो बनाते हैं, ट्रैक्स को ऐसा क्षतिग्रस्त करते हैं और कहीं ना कहीं ट्रेनें डिले होती हैं, तो एक ट्रेन में आप समझिए कि हजारों लोग सफ़र करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं पहुँचाया जा सकता है। और यही कारण है कि लगातार आप देखिए कि अलग अलग जगहों से जो आतंकी संगठन है उनके निशाने पर कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे पहले भी रही है। और ऐसे में जो हालिया बयान एक आतंकी का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और टेलीग्राम के जरिए जो बयान वायरल हो रहा है, उसमें वो सीधे तौर पे भारतीय रेलवे को ही निशाना बनाने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भारतीय रेलवे को निशाना बनाकर वो कहीं ना कहीं भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इस मामले में अगर हम बात करें तो NIA जो है पूरी तरीके से जाँच कर रही है और यहाँ तक कोशिश कर रही है कि जो ये आतंकी है अगर उसने ये वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर वो सर्कुलेट कर रहा है तो इस वीडियो को के जरिए क्या कोई किसी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश वो भारत में कर रहा है, इस दिशा में भी NIA जो है जांच कर रही है। इसके अलावा ना सिर्फ इस प्रकरण की बात करें बल्कि अलग अलग जो मामले इस तरीके के हुए हैं उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियां कहीं ना कहीं तार जोड़ने की कोशिश कर रही है कि क्या इस मामले के तार जो है वो अलग मामले से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं जाँच जारी है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय रेलवे की ओर से लगातार ये दिशा निर्देश में भी हाल ही में जारी किए गए थे, आपने देखा होगा करीब एक महीने पहले, कि किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध वस्तु दिखे, संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसके बारे में भारतीय रेलवे को जानकारी लोग दें। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय रेलवे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि स्टेशन पर चेकिंग हो जाती है, स्टेशन पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद रहते हैं, चूंकि ट्रैक्स पर जिस तरीके से अचानक से कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज रख देना, ऐसी संदिग्ध वस्तु रख देना जिससे भारतीय रेलवे को नुकसान हो सकता है, रेल को नुकसान हो सकता है, जनहानि हो सकती है, तो इतने लंबे ट्रैक को बार बार चेक करना संभव नहीं है। और इस बात को वो लोग जरूर ज्यादा जानते हैं जो आतंकी हैं, जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो ऐसे अराजक तत्व हैं कि ट्रैक्स को निशाना बनाना काफी आसान है और यही कारण है कि इस तरीके की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इस दिशा में सरकार जो है वो कठोर कार्रवाई करेगी ऐसी भी जानकारी मिल रही है और केंद्र सरकार अपने स्तर पर भी ऐसे होना ही पर चाहिए क्योंकि ले रही है। इस तरह के आ रहे हैं बार बार पीयूष, वो ये दिखाते हैं कि एक बड़ी साजिश है और हर ट्रेन में चूंकि 2 से 3 हजार लोग सफर करते हैं, रोजाना लाखों लोग इस ट्रेनों में सफर करते हैं और अगर उसको टारगेट किया जा रहा है तो वाकई बहुत चिंताजनक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी बात और बड़ा सवाल ये कि क्या भारतीय रेल को निशाना बनाने की कोई बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अलग अलग ये मामले इसी ओर इशारा कर रहे हैं।